सनसनी ऑफ इंडिया। इंस्पेक्टर विकास राणा के नेतृत्व में एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने थक थक गैंग के एक ऐसे सदस्य को दबोचा है जिसकी वारदात का सीसीटीवी फुटेज पिछले सप्ताह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुआ था। आरोपियों ने थक थक मोडस ऑपरेंडी से थाना अशोक विहार इलाके में रिंग रोड पर खड़ी कार से 6,25,000 नकद सोने और हीरे के आभूषण गायब कर दिए थे। आरोपी की पहचान जे कॉलोनी मदनगीर निवासी 20 वर्षीय गौतम उर्फ विजय के रूप में हुई है। इसके पास से 4,90,000 रुपए और लगभग 25,00,000 रुपए कीमत की ज्वेलरी बरामद हुई है। साथ ही इसकी गिरफ्तारी से 2 मामले भी सुलझ गए हैं। थक थक गैंग किस मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देता है इसका लाइव वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। दिनांक 8 दिसंबर 2022, समय शाम 6:55, जगह रिंग रोड अशोक विहार। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर गाड़ियां आ जा रही है। रोड की साइड में गाड़ी लगाकर एक महिला कार में बैठकर अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अकेली महिला को देखकर ठग ठग गैंग एक्टिव हो जाता है। गैंग में शामिल हर एक सदस्य का अपना अलग एक खास रोल होता है। ठग ठग गैंग मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देने के लिए सभी सदस्य कार को टारगेट करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले ठग ठग गैंग के 2 सदस्य कार के बोनट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दूसरा सदस्य कार से थोड़ी दूरी पर बाइक पर खड़ा होकर आसपास नजर रख रहा है। सीसीटीवी में ठग ठग गैंग के 3 सदस्य दिखाई दे रहे हैं किंतु मौके पर 5 लोग मौजूद हैं। 2 सदस्य थोड़ा दूर खड़े हैं जो कि फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही कार के पास खड़े 2 सदस्य कार में बैठी महिला को बातों में उलझाएंगे वैसे ही गैंग के दूसरे लोग वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाएंगे। बोनेट के पास खड़े गैंग के 2 सदस्यों ने कार में बैठी महिला को बोला कि उनकी कार के इंजन से ऑयल निकल रहा है। पीड़िता ने अंदर से ही कार का बोनट खोल दिया। गैंग के सदस्य ने महिला को यह बोलकर डराया कि प्लीज चेक कर लीजिए नहीं तो आग लग सकती है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि जैसे ही पीड़ित महिला कार से उतरकर बोनट के पास जाने लगी वैसे ही गैंग का एक सदस्य पीछे की तरफ से आया और कार का दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक न हो जाए इसलिए हल्का सा खोलकर थोड़ा आगे बढ़कर तुरंत पलटकर कार की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान बोनेट के पास खड़े 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थोड़ी दूरी पर बाइक से आसपास नजर रख रहे व्यक्ति की बढ़ता है और बाइक पर बैठ जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि गैंग के एक व्यक्ति ने अभी तक महिला को बातों में उलझाकर रखा हुआ है। कार के दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति चुपके से गेट खोलकर बैग निकाल लेता है और पीछे से आ रही बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। ठग ठग गैंग ने इस पूरी घटना को महज 1 मिनट में अंजाम दिया था। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बहुत वायरल हुआ था। पीड़िता के बयान पर थाना अशोक विहार में एफआईआर संख्या 870/22 धारा 379/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविंद्र सिंह यादव स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी को मामले को सुलझाने का काम सौंपा। इसके लिए डीसीपी क्राइम राजेश देव ने सुशील दिला एसीपी एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विकास राणा के नेतृत्व में महिला एसआई मंजू, एसआई परमजीत, एएसआई संजीव, हेड कांस्टेबल दीपक त्यागी, रविंदर अनुज व कांस्टेबल जितेंद्र दलाल की एक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर विकास राणा ने सबसे पहले क्राइम सीन से मिले सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। पीड़िता के बयान और क्राइम सीन से मिले सीसीटीवी फुटेज में क्रिमिनलों की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर विकास राणा को एक बात तो समझ आ गई थी कि वारदात को अंजाम किसी ठक ठक गैंग ने ही दिया। इंस्पेक्टर विकास राणा ने बिना समय गवाए ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम दे चुके क्रिमिनलों का डाटा स्कैन किया। साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद जिस रूट से ठक ठक गैंग के सदस्यों के भागने की आशंका थी जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स मल्टीपल टर्न्स मकानों दुकानों बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से करीब 25 किलोमीटर के दायरे में लगे 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में दक्षिण दिल्ली के मदनगीर तक पहुंच गई। मदनगीर से आगे के सीसीटीवी फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे इससे जांच टीम ने अंदाजा लगा लिया कि आरोपी मदनगीर इलाके में ही कहीं छुपे हुए हैं। टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए मदनगीर इलाके में डेरा डालकर मुखबिरों का जाल बिछाया।
टीम के कुछ सदस्य सादी वर्दी में मदनगीर इलाके की हर एक गली में घूम घूम कर आरोपियों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। एक टीम ने मुखबिरों की मदद से मदनगीर इलाके में ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देने वाले क्रिमिनलों की डिटेल जमा की। फिर उस डिटेल में से उन लोगों को स्कैन किया जो वारदात वाले दिन इलाके से गायब थे। टीम की मेहनत रंग लाए। टीम को टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पता लगाया कि जे कॉलोनी मदनगीर निवासी 20 वर्षीय गौतम उर्फ विजय ठक ठक गैंग का सक्रिय सदस्य है और वारदात वाले दिन इसकी मूवमेंट क्राइम सीन के पास की थी। सस्पेक्ट की पहचान होते ही टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में जाल बिछाया और आरोपी गौतम को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास 7 से 4,90,000 रुपए और 25 लाख रुपए के चोरी के जेवरात बरामद किया है। आरोपी ने खुलासा किया कि इस वारदात से पहले उसने शाहबाद गैरी इलाके में एक लड़की का मोबाइल फोन भी छीना था। आरोपी की गिरफ्तारी से 2 मामले सुलझ गए हैं, एक थाना शाहबाद गैरी इलाके में स्नैचिंग का और दूसरा थाना अशोक विहार इलाके में एक ठक ठक चोरी का। आरोपी गौतम उर्फ विजय जे कॉलोनी मदनगीर का रहने वाला है। यह गरीब परिवार से और अनपढ़ है। यह बुरी संगत में पढ़कर ड्रग और नशे का आदि हो गया। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। ठक ठक गैंग के बाकी फरार आरोपियों को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। सनसनी ऑफ इन क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।